आखिरी बार कब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे? समय समय पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें एज अ इंडिविजुअल के रूप में ग्रो होने और खुश रहने में मदद करने के लिए आवश्यक है। ये हमें असल दुनिया से रूबरू करवाता है। इसके अलावा ये हमारी बाउंड्रीज टेस्ट करता है, हमारी सेंसेस को इग्नाइट करता है और हमें दूसरों के साथ डीपर कंडीशंस बनाने में मदद करता है। अपने लाइफ के अब तक के सबसे मोमेंटस एक्सपीरियंसेस और पलों के बारे में सोचें। पॉसिबिलिटी है कि इन ग्रेट मोमेंट्स के दौरान ही आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की छलांग लगाई हो। हो सकता है कि आपने कुछ नया या फियरलेस करने की कोशिश की हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो। कंफर्ट जोन रिलैक्सिंग सेफ प्लेस है जिसे आपको ग्रो करने के लिए छोड़ने की आवश्यकता है। इस जगह पर होने का मतलब है ऐसे काम करना जो आपको ग्रोथ चैलेंजेस नहीं देते और जो आपको रिस्क लेने से रोकते हैं। समय के साथ हम इस जगह में ज्यादा देर रहने से बेचैनी होने लगती है और जो कभी इतना रिलैक्सिंग प्लेस हुआ करता था वो लेस कंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि दो और जोन है जिनसे आपको ट्रू ग्रोथ को अपनाने से पहले गुजरना होगा और वो है फियर एंड लर्निंग जोन। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत लोगों के लिए स्कैरी होता है। हमें सेफ रखने के प्रयास में हमें उन चीजों से डरने के लिए मजबूर किया जाता है जो हमें चोट पहुंचा सकती हैं। इसीलिए हम सब पहली बार अननोन में एंटर करने का प्रयास करते हैं तो हमें अक्सर डाउट होता है। हम चिंता करने लगते हैं कि अब हमें और भी ज्यादा नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिससे खुद की क्षमताओं पर ही डाउट होने लगता है। इस एंग्जाइटी को शांत करने के लिए पहला कदम डर की बारीकियों का सामना करना है। फियर और पास्ट असल में हमारा लर्निंग जोन होता है, जहां आप शांत होते हैं लेकिन साथ ही फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। ये आपके पर्सनल ग्रोथ का वो पॉइंट है जब आपको लगता है कि आपके पास चीजें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। लाइफ हैक्टिक और बहुत एग्जॉस्टिंग है क्योंकि हम हर दिन कई चुनौतियों का सामना करते हैं, मगर रियलिटी में ये सभी कठिनाइयां ग्रोथ को बढ़ावा दे रही होती हैं और आपको सीखने का अवसर प्रदान कर रही होती हैं। सो हर बार जब हार मानने का मन करे तो अपने आप से पूछें, मैं यहां क्या सीख सकता हूं? जितनी तेजी से आप सीखने को तैयार हैं उतनी ही तेजी से आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है। फाइनली जब आप फियर और लर्निंग जोन के माध्यम से पावर्ड होते हैं तो आप अपने ग्रोथ जोन में पहुंच जाते हैं। ये वो स्थान है जहां आप अपने बारे में और अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी अचानक से अच्छा महसूस करने लगते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये सोचना पसंद करते हैं कि जब हम अपने कंफर्ट जोन के दायरे में रह रहे होते हैं तो हम अपने सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट स्पॉट पर होते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें अपने कंफर्ट जोन की इनविजिबल लाइन के पार जाने से रोक रही है? आंसर सिंपल है, फियर। अननोन और अनफैमिलियर चीजों का फियर। ये सच है कि हम अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, स्पेशली जब चेंज की दिशा में पहला कदम उठाने की बात आती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपको मगरमच्छों के एक पिट में बंजी जंपिंग करनी है। बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होना होगा जिससे आप कई मुद्दों पर डिसएग्री करते हो, या फिर कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करना, या फिर अपनी हॉबी को प्रोफेशनल चीज में बदलना। देखिए, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स तभी काम करता है जब आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं, और इंस्पायर्ड एक्शंस बिना आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप नहीं ले सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। स्टेप वन, टेक अ कंफर्ट जोन चैलेंज। जब कुछ नया करने का अवसर हमारे पास आता है तो हम अक्सर इससे बचने के लिए या तो बहाने बनाने लगते हैं या फिर किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इनफ मनी, टाइम, एक्सपीरियंस नहीं है, या ये सही समय नहीं है। शायद जब मेरे पास ज्यादा पैसा, अनुभव, समय होगा तब मैं इसे करूंगा। इन डेली टैक्टिक्स में सच्चाई हो सकती है। आपके पास हो सकता है कि करंटली पैसा या समय या अनुभव ना हो, लेकिन जीवन में कभी सही समय नहीं आता है, इसलिए अपने रास्ते में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ कहें
कहना सीखें, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। जाने या अनजाने में आपने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है, इसीलिए इसे जाने मत दीजिए। बस ये याद रखिए कि हम जितना संभाल सकते हैं यूनिवर्स उससे अधिक कभी नहीं देगा। सो खुद पर भरोसा रखें, हां कहें एंड नेवर लुक बैक। स्टेप नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन की चिंता को ओवरकम करें। देखिए, अननोन चीजों से डरना पूरी तरह से स्वाभाविक है, नेचुरल है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हमें डर को अपने ऊपर इतना अधिक नियंत्रण देना बंद करना होगा। लेकिन हम इस इनर एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले यह समझें कि आप किससे डरते हैं और फिर इससे निपटने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाएं। स्टेप नंबर 3, एम्ब्रेस द कंफर्ट जोन। ये स्वीकार करना भी इंपॉर्टेंट है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना हमेशा एक हद तक डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होगा। आप डर को कम करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसकंफर्ट के साथ कंफर्टेबल रहने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए डिसकंफर्ट को जबरदस्ती पुश मत करिए। इसके बजाय अपने आप को इसे महसूस होने दें और एक्सेप्ट करें कि यह एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं या नहीं। स्टेप नंबर 4, अपने आप को उन लोगों से सराउंडेड रखें जो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने में आपकी मदद करते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सपोर्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी फ्रेंड्स या परिवार के सदस्यों की इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन वास्तव में आपको अपने कंफर्ट जोन में स्टक रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप डरें या अनहैप्पी फील करें। फियर, लर्निंग और ग्रोथ जोन्स में प्रॉपर मूवमेंट की फैसिलिटेशन के लिए मेक श्योर कि आप सही लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। ये करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य होंगे जिनके पास पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होगा। स्टेप नंबर 5, असफलता को गले लगाकर अपने ग्रोथ जोन में कदम रखें। यदि आपने हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहने के लिए संघर्ष किया है, तो ये पॉसिबली इस बात का परिणाम है कि आपने पास्ट में लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया है। जिस तरह से हम चीजों की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका हमारे लाइफ के बाकी पार्ट्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए यदि आपने एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने का डिसीजन लिया है और ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो अब आप हर कीमत पर किसी भी न्यू सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी से बचने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप प्रेजेंट में अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीवन को देखने के तरीके को पसंद नहीं करते हैं, तो एक पूरी न्यू पिक्चर ही क्यों ना बनाई जाए। अपने आप को पॉजिटिव स्टोरीज बताना शुरू करें। जब आप उन सभी नए और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो एक्साइटेड फील करें। अपने आप में विश्वास रखें और हर कदम पर बी योर ओन चीयरलीडर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से पहली छलांग लगाएं और कौन जानता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, कौन जानता है कि आप कभी वापस भी आएंगे। सो अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं और ट्रू फुलफिलमेंट का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत जरूरी है। आप पहले से ही सफलता की राह पर हैं, लेकिन ये आपको ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।